नमस्कार, स्वागत है LNMU नोट्स में। तो देखिए, फ़िलहाल जो 10 दिन से 10-15 दिन से जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल जो है, पहला सवाल क्या है कि पार्ट 1 का रिज़ल्ट कब आएगा, ठीक है, सेशन 22-25 का। और दूसरा सवाल ये है, जो सेशन 23-25 PG है, जो एडमिशन के लिए अप्लाई हुआ था, तो लिस्ट में नाम नहीं आया, सेकेंड लिस्ट में भी, फर्स्ट लिस्ट में भी, वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं है, तो उसका एडमिशन जो है कैसे होगा, ठीक है। तो ये दूसरा सवाल का जवाब आप लोगों को दिया जा रहा है, क्योंकि ये बार बार जो है वो मैसेज के द्वारा या फिर कमेंट में भी जो है वो पूछा जा रहा है कि जो अगला लिस्ट कब आएगा, या फिर जिसका नाम जो है वो लिस्ट में नहीं आया है, तो उसका एडमिशन कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है, ये कुछ पॉइंट लिखा हुआ दिख रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे, और इस वीडियो को ख़त्म करने तक आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और उम्मीद है, ठीक है, कि इस टॉपिक में जो भी आपका सवाल होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, और एक एक पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है सीट लिमिट। सीट लिमिट पे बात करें तो सीट लिमिट आप लोगों को पता है कि यूनिवर्सिटी में करीब जो है वो 13,000, ठीक है, करीब 13,000 के ही करीब जो है वो सीट है हर सब्जेक्ट को मिला के, ठीक है। तो और जो एप्लीकेशन हुआ था, जो अप्लाई हुआ था, वो 30 से पार हुआ था, 30,000 के आसपास हुआ था, ठीक है। तो आप जो है वो देख सकते हैं कि ये जो 13,000 का आसपास का जो सीट है, वो 30,000 के एप्लीकेंट को, मतलब कि 30,000 स्टूडेंट जो अप्लाई किया है, सबको तो एडमिशन नहीं हो सकता है, ठीक है, सबका एडमिशन नहीं हो सकता है। यानी कि जितना एप्लीकेशन हुआ है, मान लीजिए कि 13,000 के आसपास है, तो कुछ सब्जेक्ट में जो है वो सीट खाली भी रह जाता है, और कुछ सब्जेक्ट में जो है वो सीट जो है वो मिलता ही नहीं है, फुल हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हिस्ट्री सब्जेक्ट है, ठीक है, हिस्ट्री सब्जेक्ट है, जूलॉजी सब्जेक्ट है, ये सारा सब्जेक्ट जो है वो इससे इसमें जो क्या होता है कि जितना सीट होता है उससे डबल डबल जो है वो एप्लीकेशंस भरे जाते हैं, ठीक है, फॉर्म भरा जाता है उससे डबल डबल स्टूडेंट के लिए, ठीक है। मतलब कि जितना, जैसे अगर कहीं 100 सीट है, तो उससे 200-300 जो है वो एप्लीकेंट, मतलब कि एप्लीकेशन भरा जाता है, ठीक है। तो सीट के लिए, ठीक है, सीट के लिए, सीट लिमिट के लिए है कि देखिए, सबका एडमिशन तो होने से रहा, ठीक है, सबका एडमिशन तो होगा नहीं, क्योंकि जो सीट वो कम है और जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा बात यह है कि जो यूनिवर्सिटी के द्वारा नोटिस आया था, ठीक है, नोटिस आया था, उसमें जो क्या बोलते हैं, फर्स्ट लिस्ट आया, ठीक है, सेकेंड मेरिट लिस्ट आया, उसके बाद वेटिंग लिस्ट आया, लेकिन जो कोटा के, मतलब स्पोर्ट कोटा का लिस्ट होता है, वो एक लिस्ट अलग से जारी किया जाता है, जो NCC वगैरह के होते हैं, जो किसी स्पोर्ट कोटा से एडमिशन लेना चाहते हैं, जो अप्लाई करते हैं स्पोर्ट कोटा से, उस स्पोर्ट कोटा के लिए जो लिस्ट है, उसका लिस्ट जो है अभी जारी नहीं किया गया है, ठीक है, तो वो लिस्ट भी आना बाकी है, ठीक है। तो देखिए, और वैकेंट सीट की बात करें, मतलब कि जो खाली सीट है, ठीक है, अगर कोई कहीं किसी सब्जेक्ट में, किसी कॉलेज में सीट खाली है, कितना सीट खाली है, ये सारा चीज़ जो है वो अभी क्लियर नहीं किया गया है, इसका कोई जानकारी मौजूद ही नहीं है, कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है कि किस कॉलेज में कितना सीट किस विषय में खाली है, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट, ठीक है। और जो चौथा पॉइंट है, ठीक है, चौथा पॉइंट में कुछ सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट, 7, 8 से 9 सब्जेक्ट है, से जिसमें जो है वो सीट खाली रह जाता है, हर साल उसमें सीट खाली रह जाता है, उसमें कभी भी, जब तक एडमिशन चल रहा है, उसमें आप कभी भी एडमिशन ले सकते हैं, चाहे वो आप ऑनलाइन अप्लाई किए हो, चाहे आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं किए हो, तो उसके लिए जो है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए बार बार जो है वो खोला जाता है एप्लीकेशन वेबसाइट, जो उसके बाद जो है वो जिनको उस विषय में क्या बोलते हैं एडमिशन लेना होता है, वो फिर से अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद उस सब्जेक्ट में कोई लिस्ट नहीं आता है, कोई मेरिट लिस्ट उस सब्जेक्ट का नहीं आता है, बस वो सब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट एडमिशन उस पर हो जाता है, क्योंकि उसमें सीट हमेशा खाली रह जाता है, ठीक है। जैसे उर्दू है, इकोनॉमिक्स वगैरह है, ये सब सारा चीज़ है, ठीक है। जो लिस्ट, सब्जेक्ट का लिस्ट है, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जितना सब्जेक्ट में सीट खाली रह जाता है, अगर इस सब्जेक्ट में, अगर जो स्क्रीन पे आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, इस सब्जेक्ट में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप जो है वो एडमिशन ले सकते हैं, इसमें हमेशा सीट खाली रह जाता है, तो इसमें एडमिशन लेना आसान है, ठीक है। तो ये हो गया 8 सब्जेक्ट का लिस्ट, जिसमें एडमिशन करना आसान होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, सीट जब फुल हो गया, नो वैकेंसी, ठीक है, अगर कोई लिस्ट नहीं आता है अब, ठीक है, अब अगर कोई लिस्ट नहीं आता है, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि सीट फुल हो चुका है, और कहीं भी किसी डिपार्टमेंट में अब सीट खाली नहीं है, ठीक है। तो सीट खाली नहीं है,
स्पॉट एडमिशन का भी कोई चांस नहीं है, ठीक है। जब सीट ही खाली नहीं है तो किसी तरह से भी एडमिशन नहीं हो सकता है, ठीक है। स्पॉट एडमिशन, देखिए यहाँ पे आप लोग ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये स्पॉट कोटा है, और वो होता है स्पॉट एडमिशन, ऑन स्पॉट एडमिशन होता है, ठीक है, ऑन स्पॉट एडमिशन होता है वो, और ये स्पॉट कोटा है, ठीक है। इसमें सर्टिफिकेट वगैरह लगता है जो अप्लाई करता है स्पॉट कोटा के थ्रू एडमिशन के लिए, उसका लिस्ट अलग से आता है, ठीक है। और ये है ऑन स्पॉट एडमिशन, ऑन स्पॉट एडमिशन और स्पॉट एडमिशन ये दोनों चीज़ अलग है, ठीक है। ऑन स्पॉट एडमिशन है मतलब कि कहीं किसी सब्जेक्ट में सीट खाली रहेगा तो ऑन स्पॉट एडमिशन का जो है वो नोटिस जारी किया जाएगा कि जहाँ भी जिस कॉलेज में सीट खाली है वहाँ पे जो है वो जो भी अप्लाई किए हुए हैं ऑनलाइन अप्लाई जिसने किया है वो जाके उस कॉलेज में उस डिपार्टमेंट में जो है ऑन स्पॉट एडमिशन ले सकता है। पहले आओ पहले पाओ, ठीक है, ऑन स्पॉट एडमिशन में होता है पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। तो ये इस आधारित पे होता है, ठीक है। अगर सीट खाली है तभी स्पॉट एडमिशन होने का चांस होता है। और ये स्पॉट कोटा का लिस्ट कि जो अप्लाई करते समय स्पॉट कोटा के लिए क्या बोलते हैं अप्लाई करते हैं स्पॉट कोटा से, तो उसको सर्टिफिकेट वगैरह लगता है तब जाके उसका स्पॉट कोटा में एडमिशन होता है, ठीक है। तो इसका लिस्ट अभी नहीं आया है, और स्पॉट एडमिशन का, ठीक है, स्पॉट एडमिशन का जो है ऑन स्पॉट एडमिशन का अभी कोई जानकारी नहीं है। अगर सीट खाली रहा तभी इसका कोई चांस बनता है, ठीक है। तो अगर ये 8 सब्जेक्ट जो आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था वो अगर उसमें अभी अगर आप एडमिशन लेना चाहते तो उसमें चांस बनता है, उसमें हो सकता है होने का चांस रहेगा, ठीक है। तो अगर जब कोई लिस्ट नहीं आता है, ठीक है, अगर कोई लिस्ट नहीं आता है तो कोई लिस्ट नहीं आता है इसका मतलब आप समझिए कि सीट जो है वो फुल हो चुका है, ठीक है। कोई लिस्ट नहीं आता है इसका मतलब जो है वो सीट फुल हो चुका है। और जितने भी अब जो स्टूडेंट है जो पूछ रहे हैं कि अब एडमिशन कैसे होगा, लिस्ट में नाम नहीं आया तो आपका एडमिशन नहीं होगा, आपको अगले साल इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। जिसका लिस्ट में नाम नहीं आया है उसको अगले साल फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, फिर से मेरिट लिस्ट के लिए जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा। लिस्ट में नाम आया तो एडमिशन होगा, या फिर जो सब्जेक्ट आपको दिखाया जा रहा है इससे आप अप्लाई कीजिएगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा, इसमें सीट खाली रह जाता है, ठीक है। ये 8 सब्जेक्ट है इसमें। उसके बाद एक और रास्ता होगा, ठीक है, जो आप लोग सुनते होइएगा कि जो है वो साइड से एडमिशन हो जाता है, थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है, ठीक है। ये सारा चीज़ आप लोगों के कान में इधर उधर से आता होगा कि इस कॉलेज में जो है इसका जो एडमिशन हो गया कम नंबर था वगैरह वगैरह, ठीक है, जो इसका लिस्ट में भी नाम नहीं था वो, तो ऐसे जो है वो क्या बोलते हैं, ये रिकमेंडेड नहीं होता है, आपको ये तरीका पे जाना नहीं होता है। अगर आपका कुछ ऐसा हो रहा है तो बेशक आप करवा लीजिए, ठीक है, जो साइड से वाला जो है आप लोग सुनते हैं, अगर आपका कुछ हो रहा है तो आप करवा सकते हैं, ठीक है। कुछ पैसे ज़्यादा लिया जाता है ऐसा सुनने में आता है, ठीक है। और इसके लिए जो है आप जो साइड से एडमिशन होता है ये फिर इसके लिए फिर मैसेज मत कीजिए कि आपसे होगा या फिर आप करवा सकते हैं, ऐसा जो है ये सारा चीज़ जो है वो आप जहाँ से आपको वो पता चलता है वहाँ से आप करने का कोशिश कर सकते हैं। ये रिकमेंडेड नहीं होता है ये तरीका, ठीक है। जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के थ्रू चलना रहता है, ठीक है। तो देखिए पीजी सेशन 23-25 के एडमिशन को अगर पूरा ये जितना भी बताया गया उसको 2-3 लाइन में समअप करें, तो समअप करें तो ये हो पहला सीट लिमिट, ठीक है। अगर सीट फुल हो गया होगा तो उस लिस्ट नहीं आएगा, ठीक है। अगर लिस्ट आया कि सीट कहाँ पे खाली है तब स्पॉट एडमिशन का चांस बनेगा, ठीक है। अगर उसमें नहीं है या फिर सिर्फ 8 सब्जेक्ट में जो बताया जा रहा है उस 8 सब्जेक्ट में अगर सीट खाली है, ठीक है, तो 8 सब्जेक्ट में सीट खाली है तो उसमें फिर से आप अप्लाई करके जो है वो अप्लाई करने का चांस दिया जाएगा, उसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई लिस्ट नहीं आता है, उसमें डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो अगर लिस्ट में नाम नहीं आया है और ये सारा चीज़ अगर नहीं होता है तो आपको अगले साल इंतज़ार करना पड़ेगा, आपका कोई चांस नहीं है एडमिशन होने का, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो पीजी सेशन 23-25 का जो आपको सवाल था कि लिस्ट में नाम नहीं है तो एडमिशन कैसे होगा, ठीक है, तो आपको ये सारा पॉइंट बता दिया गया है, ठीक है। सीट लिमिट मतलब कि सीट जितना होगा उतना ही एडमिशन होगा, आपको पता है सीट फुल हो गया होगा तो एडमिशन नहीं होगा। स्पॉट कोटा लिस्ट मतलब कि जो स्पॉट कोटा से अप्लाई किए होंगे उसका लिस्ट अभी नहीं आया है, ठीक है, उसका भी एडमिशन बाकी है। वैकेंट सीट लिस्ट जितना सीट खाली है कहाँ पर क्या सीट खाली है वो लिस्ट अभी नहीं आया है। 8 सब्जेक्ट का लिस्ट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अगर आपको उसमें एडमिशन लेना है तो उसमें एडमिशन का चांस बनता है, ठीक है। सीट खाली नहीं रहेगा तो एडमिशन नहीं होगा, साइड से एडमिशन हो रहा है तो करवा लीजिए, ठीक है, हो गया।
यही था पीजी सेशन 23-25 के लिए, ठीक है। तो अब आप लोग क्या है, मतलब अब आप लोग जो है वो अपने हिसाब से वो कर सकते हैं, अपने सवाल का जवाब जो जो आपको सूट करे वो ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।